हेलो फ्रेंड्स, मैं विजु सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम ग्राफ्टेड प्लांट को, फ्रूट वाले प्लांट को कैसे बेहतरीन तरीके से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि वो लोग नर्सरी से प्लांट खरीद के ले आते हैं और उसमें फूल नहीं आता, फल नहीं बनता। क्योंकि जब वो प्लांट ले आते हैं नर्सरी से, उसमें फूल आता रहता है और फल भी लगा हुआ होता है। जब घर में लगाते हैं तो फूल और फल नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे कि आप जिस पॉट पे लगाना चाहते हो ग्राफ्टेड वाले प्लांट, ज़मीन पे लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाता है। लेकिन आप लोगों को अगर पॉट पे लगाना है तो थोड़ी सी केयर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप जिस पॉट में लगा रहे हो उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए और टाइम टू टाइम आपको डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद या फिर फर्मी कम्पोस्ट हर महीने में एक बार उसमें ऐड करना पड़ेगा। या फिर अगर वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग केमिकली फर्टिलाइज़र ले सकते हो। केमिकली फर्टिलाइज़र में आप लोग NPK 19-19-90 ले सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। और केमिकली फर्टिलाइज़र NPK 19-19-90 अगर आप लोग को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला के हर महीने में एक बार आप लोगों को स्प्रे करना होगा। अगर आप लोगों के पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है तो केमिकली फर्टिलाइज़र NPK 19-90-90 प्लांट के लिए बेस्ट होता है। आप लोग हर महीने में एक बार प्लांट को स्प्रे कर दोगे तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और वो भी नहीं है तो फर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, जी कंपोस्ट हुआ गोबर की खाद ले सकते हो, इसमें भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। और ऑर्गेनिक तो बेस्ट होता है फ्रूट वाले प्लांट के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट लेते हैं, फ्रूट वाले प्लांट ले आते हैं घर में, अगर उसमें फ्रूट आ जाए तो वो फ्रूट हम खाते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है। केमिकली फर्टिलाइज़र थोड़ी सी हानिकारक होता है, लेकिन रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमारी सेहत के लिए थोड़ी सी हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करें, क्योंकि ऑर्गेनिक हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ी देर में मिलता है। तो अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो केमिकली फर्टिलाइज़र ले सकते हो। केमिकली फर्टिलाइज़र में NPK 19-19-90 बेस्ट होता है। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई ग्राफ्टेड वाली फ्रूट वाली प्लांट अगर पॉट में लगाना चाहते हो, आपकी पॉट की साइज़ बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 18 इंच का होना चाहिए या फिर 24 इंच का होना चाहिए या फिर 32 इंच का होना चाहिए, तो जितना बड़ा पॉट होगा आपकी प्लांट उतनी ही अच्छी ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखो इन्फॉर्मेशन की या फिर ग्राफ्टेड की, आप पूरा देखो, क्योंकि आपका आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि बीच में छोड़ दोगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले पाओगे और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी प्लांट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो 100% करेक्ट होता है, क्योंकि पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके बाद उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो ये सारी बातें अगर ध्यान में रखकर अगर आप फ्रूट वाली प्लांट पॉट पे लगाओगे तो आपकी प्लांट हमेशा ग्रो करता रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। जैसे कि ये मेरे पास प्लांट है, ये मैंगो का प्लांट है, इसमें बहुत ही अच्छी फूल आ रहा है और ये बहुत ही छोटे साइज़ के प्लांट है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही छोटे साइज़ के प्लास्टिक बैग में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज़ का है, लेकिन इसमें फूल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हमें इसे फल में कन्वर्ट करना है तो इसका केयर लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फ्रूट नहीं बन पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।